मिर्जापुर में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ मामला अहरौरा थाना क्षेत्र के आनंदीपुर गांव के पास का है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने दो युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने सड़क जाम कर दो ट्रकों में आग लगा दी। उधर हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी लोग नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह मौके से लोगों को खदेड़ा। क्या हुआ था? अरोरा से छोटू मिश्रा गया था सब्जी लेने, सब्जी लेकर घर जा रहा था वापस। आनंदीपुर में ट्रक वाले ने साइड लेने के चक्कर में चढ़ा दिया ऊपर, घटना स्थल पे उसकी मौत हो गई। एक लड़का बच गया, एक लोग की मौत हो गई। फिर वहाँ ग्रामीणों ने ट्रक वाले को भाग गया, ट्रक वाला भाग गया और आग लगा दिया। वहीं पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी। अभी 8 बजे रात्रि में ये चकिया के लिए ट्रक जा रही थी, तो एक ट्रक बाएं साइड में खड़ी थी, तो दाएं साइड से ट्रक एक लड़का जा रहा था अभय मिश्रा अपनी मोटरसाइकिल से, तो पीछे से आकर के धक्का मारी। लेकिन ये ट्रक वाले सोचे कि धक्का लग गया है, तो स्पीड और बढ़ा करके लेते गए, जिससे वो लड़के की मृत्यु हो गई अभय मिश्रा की। कोई घायल भी हुआ? कोई घायल भी होता? घायल तो नहीं, कोई घायल पीछे बैठा हुआ था। जो पीछे लड़का बना था वो सुरक्षित ढंग से उसको बचा लिया गया। अब तक क्या उसमें हुआ सर? उसमें अब क्या होगा, मुकदमा दर्ज होगा संबंधित के खिलाफ, ट्रक जो दबाया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी। और जो मरे हैं उसके परिवार वालों को आर्थिक सहायता के लिए मेरे द्वारा DM साहब को लिखा जाएगा, क्योंकि उसके घर कोई कमाने वाला जैसा बताए हैं लोग है नहीं, तो उसको DM से कह करके आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। दो ट्रकें भी जलाई गई? हाँ, दो ट्रक की केबिन केवल जली है और कुछ नुकसान नहीं हुआ है, केबिन जली है, उसको बचा लिया गया है शेष ट्रक को। खनन विभाग की सर बैरियर है, उसके चलते गाड़ी खड़ी थी कुछ, उसके चलते भी एक्सीडेंट कारण है क्या? हाँ, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर भी बनवाया जाएगा, PWC कह करके स्पीड ब्रेकर 2-3 दिन के अंदर बन जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। देखना ये होगा कि पुलिस कब तक फरार ट्रक चालक को गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब केसरी TV के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट।